जफर फीचरिंग डैनियल जफर जूली। तो चलो सुनते हैं यार, वो बहुत ज्यादा मन कर रहा था उसमें सुनने। एंड मैं ढूंढ रहा हूं, अब वेट नहीं हो रहा। कोक स्टूडियो सीजन 10 सबको है जाना, प्यार ही महान है, बाकी सब समान है। आने वाली नस्लों को मेरा ये पैगाम है कि पैसा जवानी नहीं रहते, ओ जानी इनका भरोसा नहीं। रिश्ते और नाते और प्यार वाली बातें, इनमें है ये जिंदगी। तू अपनी भूख भर के तू रंग बदल के ही मैं
आसमां छूए भरम इंसान को देखो किस गली लाके money. And she could do a little bit of fame too. And she knows all the tricks. Yes, she knows it, baby. And Julie knows the game. Like that. सोच रहा था भाई कौन जूली है रिजफर जी की जो उनको ऐसा करती गई है। अरे जो भी अच्छा अच्छा करके गई यार, गाना सुनने का ऐसा मत कर भाई, मतलब मजा आ गया। मतलब बहुत भारी भारी बातें उन्होंने बीच बीच में कही थी। जो लास्ट वाला पार्ट था सबसे, कि जो कहता नहीं मैं ये मैसेज देके जाना चाहता हूँ दुनिया को कि ये जवानी पैसा नहीं रहता, ये सब कुछ नहीं रहता है, आखिर लास्ट वाली बातें रहती हैं। ऊपर से एक तो वो लिरिक्स डांस हो, और ऊपर से उसके बाद जो उन्होंने वो गाने का जो उन्होंने टोन, उसी समय उन्होंने वो टोन बदला था, उसी समय ही बदला था, उसमें एकदम से वो यॉडलिंग भी कर रहे थे एकदम गजब वाला, ऊपर नीचे हो रहे थे वेरिएशन। मैंने कहा साला मैं तो जिंदगी में सोच सकता हूँ ऐसे गाने की, मतलब नहीं यार सोच सकते हो बात सही है, लेकिन भाई उसी लाइन पर उन्होंने वो चेंज किया था, और लास्ट में भी एक दो बार उन्होंने ये चीज बोली, मतलब आवाज चेंज करके, काफी टफ होता है आप इतनी हाई नोट पे गाना, टफ होता है। अगर आप स्लोली गाना है तो एक बार आवाज चेंज करके गा सकते हैं, लेकिन जब वो नोट्स उठाने होते हैं उसकी और इतना खींचना होता है तो काफी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो मुझे दिखाई मुझे पाकिस्तान का तो नहीं पता, लेकिन अगर मुझे अगर किसी को कंपेयर करना हो तो मुझे बस केवल एक ही सिंगर मिलता है कंपैरिजन, तुमको तो नहीं पता तुम्हारा कौन होगा, लेकिन मेरे लिए सोनू निगम। मैंने बोला पहले लेकिन बोलो चलो ठीक है, लेकिन हाँ मेरे मेरे ख्याल से बस वही एक होंगे जो शायद इनके बराबर खड़े हो सकते हैं इस वेरिएशन के मामले में, क्योंकि उन्होंने एक गाना गाया था ना वो 30 मार्क जिसमें उन्होंने वेरिएशन सिखाए थे, उसके अलावा मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने किया नहीं इन्होंने, और एक उनके सिवा मेरे ख्याल से और किसी ने किया भाई, और पुराने शायद किशोर कुमार ने किया होगा। किशोर कुमार यार इतना कंफर्म नहीं हूँ मैं, पुराने में जो करते थे सब काम, लेकिन ये बहुत यार एक साथ उन्होंने इतनी सारी चीजें दी है ना, मतलब रॉकस्टार के बाद तो मैं इनकी सिंगिंग, देखो मैं सिंगिंग का हमेशा से इनके फैन था, क्योंकि मैंने वही मेरे ब्रदर की दुल्हन देखी थी, उसमें सारे गाने इनके गाए हुए थे, मतलब उसके दो दो वेरिएशन थे उसमें, एक सोनू निगम ने गाया था और इन्हीं के सारे गाने, तो उसमें हर गाने दो दो बार आए थे, रिलीज हुए थे, तो मुझे सीधी सी बात है क्या कहते हैं, हाँ, और मुझे पता चल रहा था क्या कहते हैं कि इनकी आवाज कैसी है, और जो मूवी में थे वो इन्हीं की आवाज थी, तो इनकी आवाज तो बहुत ढांसू भाई है, मतलब नशीली सी आवाज है, वो मजा आती है सुनने में, ऊपर से वो इस टाइप के वेरिएशन देते हैं, तो लेकिन तुमको पूरा पैसा वसूल परफॉर्मेंस जो होती है ना वो मिलती है। ये बात है, आप यहाँ पे हंस सकते हैं, आप यहाँ लेकिन तुम उसे सेटिस्फाई हो सकते हैं, हाँ आप इसको किसी भी तरह सॉन्ग में सकते हैं, लेकिन आपको ये सॉन्ग दिल पे लग जाएगा, मजे मजे में कहते हैं ना कि एकदम मार दिया। मुझे नहीं लगता कि इनके टक्कर का कोई सिंगर है, नहीं भाई इस लेवल पे ये जो जनरल म्यूजिक का इनसे अच्छा कोई नहीं गा सकता, क्योंकि एक तो कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो इनकी जो बातें चल रही होती हैं, मूव्स चल रहे होते हैं, ये मूव्स आजकल पब्लिक को चाहिए, जैसे ही उसने एक्टिंग की तुमको पता चल जाता है, उसको मालूम पड़ जाता है, फिर वो एकदम डिस्कनेक्ट कर देती है,
आप तुरंत कहते हो यार नौटंकी चल रही है, तो फिर आप चलो ठीक है आप गाना भी इंजॉय कर रहे हो, लेकिन आपकी आंखें फिर आपको मिस नहीं करने देती। फिर बात है कि उसके बाद का जो सीन होता है वो खराब हो जाता है, मतलब एक माइंड पे बैठ जाता है कि हाँ, कि यार ये चीज इस पॉइंट पे ऐसा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, और बात आप जाके चार लोगों को बताओगे कि मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी, फिर वो भी नोटिस करने की कोशिश करेंगे, अगर उन्होंने नहीं भी कर रहे होंगे तो वो करने की कोशिश करेंगे। इनके अंदर ये टैलेंट खूट खूट के भरा है कि जैसे, और पूरे टाइम वो उनकी फील आ रही है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की रॉबर्ट डाउनी एकदम वही वाला सा है, एकदम तार के अपना ही मतलब है भाई, प्लेबॉय का प्लेबॉय जैसे एकदम आ रही है आज, जोरदार चल रही है भाई भाई, मैं उनसे कनेक्ट कर रहा हूं, एकदम टोनी स्टार्क वाली फीलिंग आ रही है, वो तो भोगा ला रही है उसका, तो महान शख्स है भाई, पाकिस्तान का टोनी स्टार्क, पाकिस्तान का टोनी स्टार्क गानों में गाने बना, या फिर एशिया का भी कह सकते हो। हां काफी बड़ा लेवल है इनका, बहुत बड़ा लेवल है। और जो फ्रूट का वो समझ में आया कितना सही था, फ्रूट लाना वहाँ पे, शहनाई सॉरी फ्रूट बोलो, शहनाई वहाँ पे, शहनाई दरअसल यार दो काम करती है पता है, अगर तुम उसको सीरियस मोड में यूज करो तो रुलाने वाला काम करेगी, और अगर तुम यहाँ पर कॉमेडी भी कॉमेडी, और यहाँ पर कॉमेडी का काम कर रही थी, जो केवल गाना सुन रहे होते हैं, कंसर्न नहीं होता उतना म्यूजिक से, तो ये अलग अलग वैल्यू में देखने के मतलब बहुत लोग कनेक्ट हुए होंगे जूली से, जूली से बहुत लोग कनेक्ट, सबको अपनी अपनी जूलियाँ दिखाई थी, तुम्हें देख गई क्या? नहीं बता रहे। अच्छा बता रहे अब हमारे सामने देखो एग्जांपल तुम बैठो तो हमने पूछ लिया जबरदस्ती, मतलब कौन है मेरी जूली बताओ, हमें क्या पता, मतलब नुकसान जबरदस्ती, ये पब्लिकली इवेंट नहीं करते हैं, तुम कर दो, तुम तो बगल में बैठे हो, हमारे पास कोई बस गई बात नहीं, देखो लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं तुमको रोक के रखा होता, तुम बोले तुम क्यों रोको, भाई सोचो, मैं पहले अली जफर जी से जूली चुना डैनियल जफर को तो हम लोग सुन चुके हैं, तो इसलिए अगर यहाँ पे ना सुनने पे उतनी, अगर उन्होंने पहले ये सुना होता तो शायद एक बार होता कि काश उनकी, मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि इस बार आप लोगों से कि अगर इसी टाइप का सेम जनरे कोई और म्यूजिक हो तो जरूर नीचे रिकमेंड करिएगा, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ पर्सनली, भले ही रिएक्शन बाद में लीजिएगा, लेकिन मैं जरूर सुनना चाहूँगा इस टाइप का म्यूजिक, इसमें अकेले जब इस टाइप का सॉन्ग हो जाए, थोड़ा सा फनी टाइप का और इतनी बातें भी कह रहा है, कंप्लेन भी दी और फनी भी बना दिया, सब कुछ उसको किया, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए हम लोग का रिएक्शन ये तक था, थैंक यू।